हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विकास सिंह, आप लोगों का अपना इक्विटी किंग अपने चैनल में स्वागत करता हूं। राइट, यहां पे रिलायंस के बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव रिजल्ट के बाद हमारा जो मार्केट इतने लंबे 3 दिन से जो कंसोलिडेट कर रहा था, अब यहां पर आ गए हैं। एक और बहुत हैवी वेट का रिजल्ट आ गया है, वो है आईसीआईसीआई बैंक का। एक बैंकिंग सेक्टर में का हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट में हमें क्या क्या देखना पड़ता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई से भी बैंक का रिजल्ट आ जाए तो आप लोग वो रीड कर सको। तो उसके लिए मेक श्योर आप पहले वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही तुरंत नोटिफिकेशंस के लिए। राइट, ठीक है, तो चलो अब यहां पे शुरू करते हैं। पहले आपको जब भी रिजल्ट रीड करना है तो आपको याद रखना है आप इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको बस उसके क्या है हाइलाइट्स देखने होते हैं कि यार ओवरऑल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। तो आप यहां पे आ सकते हैं मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल पे आप यहां पे देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। आइए यहां पे चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो ये सब क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो है ट्रेडिंग करना, कि चार्ट पे वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। यहां पे देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कैसे आए हैं। पहले ऊपर पढ़ लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। द प्राइवेट लेंडर रिपोर्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 9,122 करोड़, इन यहां पर है फ्रॉम 7,000 करोड़। मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो यहां पे 30% से ज्यादा जंप कर चुका है। यस, दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। लेकिन जो दूसरा फैक्टर जो यहां पे एक बैंकिंग सेक्टर के लिए यहां पे जरूरी रहता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्या रहता है, वो आपको यहां पे पता पड़ना चाहिए। और इसी के साथ हम चार्ट एनालिसिस करेंगे कि चार्ट में क्या दिख रहा था। रिलायंस नहीं देखा तो जाके देख लेना और सब्सक्राइब कर देना, और लाइक का टारगेट ले लेते हैं 100 लाइक, ठीक है। यहां पे आप देख लेते हैं, ठीक है। मेन क्या है, आपको दो लाइन में पूरा रिजल्ट यहां पे पता पड़ जाएगा, ठीक है। यहां पे 22 अप्रैल को अनाउंस रिजल्ट हुआ, यहां पर 7000 करोड़ से यहां पर आया, ठीक है। अब ये होता है पीएटी ग्रोथ। पीएटी ग्रोथ क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो कभी भी याद रखना, रिजल्ट में दो चीजें बहुत जरूरी रहती है, क्या रहती है, एनआईआई और एनआईए। तो यहां पर अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है जो इसने कमाया है वो 40% से ज्यादा इसका यहां पे ग्रोथ है। मतलब अनदर यहां पर ब्लॉकबस्टर इसने रिजल्ट यहां पे किए हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या यहां पर अब ऑल टाइम हाई लगेगा, यहां पे क्या निफ्टी बैंक यहां पे 45,000 जाएगा, हाँ या ना। मुझे ऐसा लिखना कि यस निफ्टी बैंक विल टच 45,000, आई बिलीव इन इट। अब यहां पे चलिए इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक और इंपॉर्टेंट होता है एनपीए, ठीक है। एनपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें भी यहां पर कमी आई है। तो यहां पे आप एनालिसिस देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहां पे कंटिन्यूसली देखता रह रहा था कि यहां पे क्या अटकलें लगी हुई थी। अटकलें मतलब क्या होता है कि थोड़ा मार्केट को ट्रस्ट कम था, इसलिए जब भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा था बार बार नीचे जा रहा था, जब भी ऊपर जा रहा था तो बार बार नीचे आ रहा था। लेकिन इसको हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसके लेवल्स क्या रह सकते हैं, हमें यहां पे देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहां पर आखिरी पिछले आवर में यहां पर जब मार्केट यहां पे गिरा था आईसीआईसीआई बैंक का, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे एक ये जो नेगेटिव जो ट्रेंड है यहां पे बना हुआ था, लेकिन इसने क्या हुआ इस लेवल को यहां पे प्रोटेक्ट किया है। तो मतलब 8.87 के ऊपर मार्केट को यहां पे रहना चाहिए अगर किसी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप लोगों को यहां पर मिल जाता है, अगर लेट्स सपोज कि अगर अच्छा रिजल्ट आता है, अगर मैं एज अ इन्वेस्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो 868 इज अ वेरी गुड पॉइंट यहां पे। दैट्स नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, बट ये टेक्निकली एक देखा जाता है कि कहां पर एक अच्छा बन रहा है। इसी के साथ यहां पर देख लेंगे अब हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप अपना एनालिसिस मेक श्योर कि सेल्फ करिए, ठीक है। आप लोगों को चार्ट रीड करना आना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, कि यहां पे क्या हो रहा था इसके चार्ट पैटर्न्स में। यहां पे मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहां से एक यहां पे ये पैटर्न देखना, ये कौन सा पैटर्न है, ये एक मस्क अप एंड हैंडल कौन सा पैटर्न बना रखा है। तो इसका ये जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 870 के आसपास। अगर ये 870 को सपोर्ट देता है तो वेल एंड गुड है, यहां से बाउंस करता है तो अगेन रेजिस्टेंस इज 900 के ऊपर अगर यहां पे निकलता है तो वापस से 930-940 के आसपास हमें देख सकता है। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली ये जो पैटर्न बनाया है इसने एक ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे नीचे बता देना, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों की नॉलेज यहां पे तेज है। यहां पे 860 के नीचे यहां पर ये जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा टेक्निकली, तो फिर वहां पर देखते हैं, वीक भी हो सकता है, बट द करेंट सिचुएशन इज द रिजल्ट्स आर गुड। राइट, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, रिलायंस के भी रिजल्ट देख लेना। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम का लिंक में आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आप आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन बनाने वाले हो कि नहीं बनाने वाले, मुझे नीचे कमेंट में बता देना। एंड चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।